आपने इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे और ये फोटो इतने सीमलेस होते हैं कि इनके बीच में आपको ना ही कोई गैप दिखेगा और ना ही कोई कट्स। और अगर आप भी इंस्टाग्राम पर ऐसे पोस्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इस तरह के पोस्ट अपने लिए इजीली कैसे क्रिएट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ऐप इंस्टॉल करना होगा। इस ऐप का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ऐप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे प्री मेड टेम्पलेट देखने को मिलेंगे। इसमें से कोई सा भी एक टेम्पलेट आप चूज कर सकते हो और इसमें जो इमेजेस ऑलरेडी है उसको अपने इमेजेस से रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्लिक करना है इस प्लस आइकन पे और यहाँ पे आपको इस फर्स्ट ऑप्शन को चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इमेजेस का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है और वो सभी इमेजेस इधर इंपोर्ट करनी है जो कि आपको अपने एडिट में लगे। तो यहाँ से आपको अपने इमेजेस इंपोर्ट करनी है और अपने लाइकिंग के हिसाब से आपको एडिट करना है। और एडिट करते समय ये जो आपको एक बीच में लाइन दिख रही है उसके ऊपर से आप इजीली एडिट कर सकते हो। लेकिन जब आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट करोगे तो ये लाइन आपको नहीं दिखेगी और वो एक सीमलेस ट्रांजिशन होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपना एक रफ एडिट बना लिया है। तो एडिट बनाने के बाद आपको ऊपर एक प्रीव्यू का आइकन दिखने को मिलेगा, उधर आपको क्लिक करना है और इसको डायरेक्टली अपने गैलरी में सेव करना है। अब आपका काम हो चुका है। अब आपको जाना है इंस्टाग्राम पे और नॉर्मली आप जैसे पोस्ट करते हो वैसे इस पिक्चर को पोस्ट करना है। लेकिन आपको पोस्ट करते वक्त ये ध्यान में रखना है कि आप सही ऑर्डर में इमेजेस चूज कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि आफ्टर पोस्टिंग ये कुछ ऐसा दिखेगा। और जब मैं लेफ्ट और राइट स्वाइप करूंगा तो इसमें आपको ना ही कोई कट्स और ना ही कोई गैप देखने को मिलेगा और ये एक स्मूद और सीमलेस ट्रांजिशन होगा। तो या आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।